ये मंदिर कम से कम 300 वर्ष से भी अधिक पुराना मंदिर है। ये पहले तो यहाँ अगल बगल ये जंगल होते थे और बाकी कुछ होता नहीं, तब संत महात्माओं द्वारा इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर तांत्रिक साधु सन्यासी बहुत आते थे, तो इस मंदिर के चारों साइड में चार पीपल के पेड़ है, तो ये बहुत मतलब धार्मिक स्थल है। और पिता जी ने पूजा करा के ग्रस्तों के पूजा के लिए इसको उत्तरमुखी कराया। ये शिवलिंग का आकार 3 फीट है। इस मूर्ति में बहुत साक्षात मतलब शंकर जी के दर्शन होते हैं। मंदिर है एकदम शमशान घाट के किनारे है, इसलिए इसका नाम भूतनाथ शिवालय है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो इसका भूतनाथ शिवालय का होके रह जाता है, उसको हमेशा आना ही पड़ता है, बहुत सुकून मिलता है। ओम वंदे देव महापति सुरगुरम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मिघरम वंदे पशुनाम्बदिम वंदे सूर्यशशंकवादनयनम वंदे मुकुंदम ब्रियम वंदे भक्तजनाश्चयम च वरदम वंदे शिवाम शंकरम। इस मंदिर बाबा भूतनाथ महादेव घी मंडी चौक अमृतसर पंजाब। ये मंदिर कम से कम 300 वर्ष से भी अधिक पुराना मंदिर है। ये यहाँ जब कभी जंगल हुआ करता था तब संत महात्माओं द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बाद ये संत महात्मा आते हैं स्थापना करके फिर चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं है कितने दिन हैं। उसके बाद संत महात्माओं ने श्री माड़वारी ट्रस्ट रघुनाथ मंदिर बड़ा फुहार वाले चौक में माड़वारियों के मतलब उसमें कर दिया देख रेख। मंदिर का देख रेख होना चाहिए, आरती पूजा भोग प्रसादी लगना चाहिए, तो तब से ये मंदिर माड़वारी ट्रस्ट मतलब 300 वर्ष से पुराने तब से देख रेख कर रहा है मतलब। और यहाँ मंदिर में शंकर जी के विग्रह में जो स्वरूप है इसमें शंकर जी का पूरा मतलब चित्र दिखाई देता है। गणेश और पार्वती का भी विग्रह है, उसमें ज्योति स्वरूप का भी दर्शन होता है। जल चढ़ाओ तो पूरा सर्पाकार मतलब धारा गिरती है नीचे को जल चढ़ाने से। पहले ये लिंगी थी दक्षिण मुखी, यहाँ पर तांत्रिक साधु सन्यासी बहुत आते थे, तो इस मंदिर के चारों साइड में चार पीपल के पेड़ है, तो ये बहुत मतलब धार्मिक स्थल है। और पिताजी ने पूजा करा के ग्रस्तों के पूजा के लिए इसको उत्तरमुखी कराया, अब सब संसारी लोग इसको पूजा कर सकते हैं। और यहाँ लगभग फतेहगढ़ चूड़िया दुबुरजी जंडियाला बहुत दूर दूर से लोग मतलब यहाँ चालियाँ करने आते हैं, जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण अपने इच्छा अनुसार मनोकामना के लिए। तो ये बहुत प्राचीन शिवालय है, बहुत अद्भुत यहाँ पे दृश्य है भोलेनाथ का। ये शिवलिंग है नर्मदेश्वर, ये नर्मदेश्वर है। ये मतलब मूर्ति तराश करके पत्थर तराश करके नहीं बनाया गया है, ये अपने आप निकला हुआ नर्मदा नदी में जो शिवलिंग अपने आप निकलता है वहीं से निकला हुआ है। और ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, इसके मतलब इस मूर्ति में बहुत साक्षात मतलब शंकर जी के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग का आकार 3 फीट है और ये इसमें शंकर जी का पूरा चरित्र दिखाई देता है, चित्र आराम से कायदे से आदमी कोई भी देखे भगत तो दिखाई देगा। तो हमको आने से यहाँ बहुत मतलब शांति मिलती है। मंदिर है एकदम शमशान घाट के किनारे है, इसलिए इसका नाम भूतनाथ शिवालय है। और ये महाकाल की साक्षात मूर्ति है, महाकाल का दूसरा रूप है। ये मंदिर पड़ता है घी मंडी चौक सुल्तान पिंड रोड अमृतसर, चौक के बगल में ही है। पहले तो यहाँ अगल बगल ये जंगल होते थे और बाकी कुछ होता नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे शहर का विस्तार होता गया जंगल ख़त्म होता गया वैसे वैसे शहर के नज़दीक आ अंदर हो गया। ये मेरे पिताजी पहले मालचंद जी झंवर वो 50-60 साल से हम लोग आ रहे हैं, तो शुरू में वो ट्रस्टी थे, उन्होंने सारा मंदिर का उद्धार कराया
गेट वगैरह हॉल वगैरह सारा उन्होंने बुलाया। त्यौहार में तो शिवरात्रि में तो यहाँ सुबह रात्रि में 12 बजे से 1 बजे से लेकर के और पूरा दिन मतलब भीड़ ही भीड़ रहती है, लाइन बाहर गेट से यहाँ तक लाइन लगी होती है। ये शिवलिंग सासा नर्मदा नदी से लाया गया है, नर्मदेश लिंगी है, तो ये मतलब महाकाल की लिंगी भी बहुत बड़ी है, महाकाल का दूसरा रूप है इसलिए लिंगी बड़ी है, इसके पूजा का बहुत मान्यता है। सुबह कपाट खुलने के बाद में अपना रोजाना जो शंकर जी का सेवा है ठाकुर जी की होती है, अपना जल चढ़ाना, पूजा, बेलपत्री, फूल माला इत्यादि से पूजा करके दूध से, उसके बाद में आरती, भोग, प्रसादी। हम सवेरे आते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं और बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो इसका उतना शिवालय का होके रह जाता है, उसको हमेशा आना ही पड़ता है, बहुत सुकून मिलता है।